झारखंड के सभी निवासियों को मेरा जोहार। झारखंड, पिछले 15 दिनों से मैं यहाँ पे बागमारा विधानसभा में घूम रही हूँ, और बागमारा विधानसभा में घूमते हुए जब मैंने लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की, तो मैं उन समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी का समस्या, जल, जो कि मूलभूत जरूरत होता है हर इंसान का। तो जल की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है बागमारा के हर क्षेत्र में, ये समस्या लोग देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ा समस्या है वो है ड्रेनेज का, कि लोगों का जो घर का पानी है वो रोड पे जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स भी खराब है, और लोगों को आवाजाही में बहुत समस्याएं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कीम्स या गवर्नमेंट हमारे झारखंड गवर्नमेंट में है, वो स्कीम्स लोगों के धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं। तो ये समस्याएं दूर करने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो है बदलाव। 15 साल ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो है वो भाजपा के विधायक रहे हैं, और उन्होंने जो भी काम किया वो हमें ग्राउंड पे दिख ही रहा है। तो इसलिए जो मैंने लोगों से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ के लोग भी बदलाव चाहते हैं। और इस बात पे मैं एक बार बात फोकस करना चाहूंगी कि 15 साल पहले हमारे जलेश्वर महतो जी ने मैथन से वो पानी लेके आए थे हमारे झारखंड में, ठीक है। और मैथन से जो पानी वो धनबाद तक लेके आए, बागमारा तक लेके आए, वो पानी की टंकियां 15 साल पहले बनी है, और रोड्स भी 15 साल पहले बना है। तो पिछले 15 साल में क्या विकास हुआ? क्या विकास का जो रफ्तार है वो 15 साल पहले जहाँ पे जलेश्वर महतो ने छोड़ा था वहीं पे रुक गया, या उसके बावजूद भी कुछ चला था? जब हमने लोगों को देखा तो वो रोड जो है जहाँ पे भी हम बागमारा विधानसभा में गए, वो रोड जलेश्वर महतो जी जब थे तब का बना वही, और वो वहीं का वहीं है। उसके आगे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे पानी की टंकियां 15 साल पहले बनी है, लेकिन पानी की टंकी से जो पानी घर तक होता है ना, वो वहां तक नहीं जा पाया। तो हम एक सवाल उठाना चाहते हैं कि जब वो मैथन से पानी हमारे बागमारा तक लेके आए, वो मैथन से बागमारा तक पानी आ गया, लेकिन बागमारा में लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो हम बदलाव के नाम पे इस बार चाहेंगे कि बागमारा विधान के जो भी लोग हैं वो इस बार जलेश्वर महतो जी को वोट देकर विजय बनाएं, ताकि विकास की जो रफ्तार है और विकास का जो गाड़ी उन्होंने 15 साल पहले जहां पे रोका था वहां से वो फिर से स्टार्ट करके विकास को, वो कहते ना विकास इंसान विकास नहीं, डेवलपमेंट वाला विकास, वो आपके घर तक पहुंचे। जो पानी की समस्याएं हैं वो पानी की समस्याएं दूर हो, ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, जो नालियां घर के बाहर रोड पे निकल रही है वो समस्या दूर हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो अबुआ आवास हो, वो धरातल पे आपके घरों तक पहुंचे, ना कि बीच में ही रह जाए। तो इस बार बदलाव के नाम पे आप वोट दें और जलेश्वर महतो जी को एक नंबर पे बटन दबाकर विजय बनाएं। बस यही अनुरोध है आप सबसे। जोहार झारखंड।